मरकज के मसले पर दिनों दिन प्रशासन सख्त से सख्त कदम उठा रहा है। डॉक्टर संजू कुमार ने कहा कि मरकज से लौटे नागरिकों ने जिला प्रशासन को जानकारी देना आवश्यक है, यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो होगा आपराधिक मामला दर्ज। साथ ही डॉक्टर संजू कुमार ने कहा कि प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। प्रशासन ने सख्ती से कदम उठाते हुए अपनी ओर से जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही विदर्भ के नागपुर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, वर्धा, गोंदिया और मनपा के नियंत्रण कक्ष के दूरध्वनि क्रमांक भी दे दिए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली के तबलीगी जमात से वास्ता रखता है तो वह जल्द ही अपनी जानकारी अपने शहर के नियंत्रण कक्ष में दे और इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो धारा 188 के तहत उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा मरकज से नागपुर आए नागरिकों के लिए आमदार निवास, वनमति व रवि भवन को विलगीकरण कक्ष में तब्दील किया गया है। बता दें कि लॉकडाउन के बावजूद सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली में तबलीगी जमात द्वारा एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विश्व के कई देशों से 3000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। इन लोगों की लापरवाही से कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों में तेजी से वृद्धि हुई है। डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि दिल्ली के निजामुद्दीन में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल लोगों की जाँच करना आवश्यक है, जिसके लिए पूरे विभाग में विलगीकरण केंद्र के जरिए जांच की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा भेजी हुई सूची के अनुसार मरकज में शामिल विभाग के नागरिकों की तलाश कर विलगीकरण में स्वास्थ्य जांच शुरू है, लेकिन ऐसे नागरिकों को जिम्मेदारी लेकर स्वयं आगे आना चाहिए।